भाभी आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतों का नाम इस तरह चीख चीख के मोहल्ले वालों को सुनाया जाए। सत्य जाऊं, कितनी फिक्र है तुझे मोहल्ले की। ये जो तूने वाहियात गाना लगाया ये नहीं सुनता मोहल्ला। अरे मेरा नमाज पढ़ना दूभर हो गया, अजाब आ गया। ए भाभी, आप तो लड़ने के मूड में लग रही हैं। मैं जरा सा काम कर रही थी, काम करते करते मैंने दिल बहलाने को पीछे गाना लगा लिया, तो क्या बुरा किया? अरे तो दिल अपना बहलाना, इर्द गिर्द क्यों दिल बहला रही है? देख मेरी बात सुन, आखिरत में पकड़ होगी इस बात की भी। अब रहने दे भाभी, आखिरत के डरावे आप तो मुझे देना। अभी दिन कितने हुए? जुमा जुमा 8 दिन हुए आपका रुझान बदले हुए, और अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। वैसे आपकी उम्र में अल्लाह की तरफ रुझान तो वैसे ही हो जाता है। अरे क्या बकवास कर रही है तू, क्या बकबक लगाई है तूने ये? ए माफ करना भाभी, किसी के माजी पे तबसरे हम नहीं करते, वरना हमें तो पता है कौन कितना बड़ा हाजी है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, ऐसा क्या है मेरे माजी में? जरा मैं भी तो सुनूं, अल्लाह का शुक्र है पाक साफ नेक जिंदगी गुजारी, ऐसे सुरखरू होके जाऊंगी अल्लाह के पास। हाँ तो जब ऐसे करके अल्लाह के पास जाओगी तो पुरानी तस्वीर जरूर लेती जाना, देखी है हमने। हाँ, कौन सी तस्वीरें? अरे वो ही जिसमें तुम वो बड़े गले का चुस्त जम्पर पहनी हुई, ये बड़े बड़े बेल बॉटम पहने समंदर पे घूम रही हो। हाँ और वो भी, वो ये मोटे मोटे रानों जैसे बाजुओं पे स्लीवलेस पहनने का मशवरा पता नहीं किसने दिया था, वो भी मरी की बर्फीली सर्दियों में। बस बस बहुत हो गई, आगे मत बोलियो। अल्लाह का शुक्र है अपने शौहर नामदार के साथ थी, किसी के बॉयफ्रेंड के साथ नहीं घूम रही थी मैं। फिर भी पहनने उड़ने का कोई तो सलीका होता है। तू नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी तू, मुझे नजर आ रहा है। तू देख मैं तेरी कैसी क्लास लगवाती हूँ आज, तू देखियो मैं करती क्या हूँ तेरे साथ, तू बस यही रुकियो तो देखियो जरा। हाँ देख लेंगे, करती क्या हो, क्लास होगी हमारी। डोली लाऊंगा तुझे उड़ा ले जाऊंगा, दुनिया की ऐसी तैसी चांद पे घर बनवाऊंगा। देखिए बाजी ये कैसा है? नहीं मजा नहीं। नहीं इसको आप यूं भी ले सकती हैं। कैसा है, सही नहीं है? नहीं दूसरा दिखाऊं? बस रहने दे। सुनिए हमारे पास और वैरायटी भाई। भाजी लाल जुल्फी जी, भाई साहब बात सुनियो। जी भाई साहब यार गड़बड़ है कुछ, हिसाब बराबर नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, कैसे गड़बड़ हो सकती है, हो ही नहीं सकती कैसी। बस चार दुकानें अपनी, सब जगह काम चल लिया, यहाँ भी चल लिया, तो वो तो फायदा दिखा रही है, यहाँ फायदा नहीं दिखा रहा। भाई साहब अब हिसाब में गड़बड़ कैसे, गुल्लक की चाबी या तो आपके पास होती है या मेरे पास, कैसे हिसाब में गड़बड़ हो सकती है? भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ एक बात हो सकती है भाई साहब। क्या? वो मैं नमाज पढ़ने या फिर खाना खाने जाता हूँ ना, तो सेलमैन को बिठा के जाता हूँ, हो सकता है उसने आर पार कर दिया हो। अबे नहीं यार, वो मेरे पुराने बच्चे हैं अपने, मुझे पूरा भरोसा है उन पे, वो बेईमानी नहीं करेंगे। भाई साहब आप भी बड़े भोले बादशाह है। भाई साहब आजकल किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो ईमानदार है या बेईमान। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? बात तो सही कह रहे हो, आइंदा ख्याल रखेंगे। अब मैं चल जा रहा हूँ गुल के पास, ठीक है माल उठाना है। ठीक है भाई, देखो ख्याल रखो। जी जी जी, गिन लीजिए पैसे। हाँ जी 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 भाई, यार जुल्फी मैं ये सोचा क्या हो गया, वो खारिश हो गया तो नहा लिया करना यार, मैं रोज पर रहता भाई साहब। अच्छा सुन जी भाई साहब, मेरे ख्याल आ रहा था कि ये जो अपना सीसीटीवी लगा इसको ठीक ना करवा लें। ये कैमरा? हाँ भाई साहब ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं, हम है ना देखभाल के लिए, थोड़े से खराब रहने दे। हाँ देख ले। नहीं नहीं अच्छा चल मैं जाता हूँ, तू ख्याल रखना। हाँ बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र। कसम से गुल्लू आज तो मजा आ गया। तुम्हें पता है नाजिया, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, मैं तो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुमसे करता हूँ। हाय हाय, तुम मेरी मोहब्बत को अपनी माँ की मोहब्बत से कंपेयर कर रहे हो? कैसी मिसालें देते हो यार गुल्लू, अच्छे खासे रोमांटिक मूड का भेड़ा गरक कर दिया तुमने।
वो सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरी कभी कोई लड़की दोस्त रही भी नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं लड़कियों से किस तरह बात करते हैं। कोई बात नहीं गुल्लू, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ओके। ओए ओए, शर्माते हुए तो तुम और भी क्यूट लगते हो। है ना, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं। फिर से अम्मा को बीच में ले आए। ओ सॉरी सॉरी, वो भूल गया था। अच्छा मैं जा रही हूँ, कोई देख ना ले वरना मसला हो जाएगा। हाँ हाँ तुम जाओ। और मेरे मोबाइल में याद से 500 का बैलेंस डलवा देना। हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं भी डलवा देता। दोबारा करेगी तो फिर पूछेंगे। क्या मतलब है? यानी आप उम्मीद रखते हैं कि वो आइंदा भी मेरे साथ बदतमीजी करे? अरे नहीं यार, ये मतलब थोड़ी था मेरा। तो बस फिर चले चले, उठ के बात करें मेरे साथ अभी। रहन देना, दुकान तो ज़ुल्फ़िकार से कह दूंगा, समझा देगा साइमा को। अरे वो जोरू का गुलाम बात कर ही ना ले। अरे वो बात नहीं करने का, उसमें तो अल्लाह जाने जुबाबंदी का कौन सा तावीज किया हुआ है साइमा ने कि कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता है उसके पीछे। दफा कर यार, इतनी सी बात पे क्या शोर करने जाके वहाँ पे हैं? अरे सिर्फ यही बात नहीं है, इस मनहूस औरत ने पूरे खानदान में मशहूर कर रखा है कि आरफा भाभी हमारे खाने पीने सोने उठने बैठने पर नजर लगाती। नहीं यार, तुझे कैसे पता है? अरे मेरे तो पूरे खानदान में एजेंट फैले हुए हैं, आपको क्या खबर, पल पल की खबर देते हैं मुझे। मुझे तो ये भी पता है कि पूरे खानदान में किसको खांसी, किसको नजला, किसको जुकाम। अच्छा यार छोड़ दे, दफा कर, उनके कहने से हमें क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे बाद में, समझा देंगे उनको, रहने दे। अच्छा जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कमाल हो गई, हमारे घर में रहें, हमारी दुकान से रोजी कमाएं और हमें झूठा कह दें, हमें ही कह दें कि हम नजर लगाते, ये नहीं होने का, अंधी नहीं लगी हुई। चलें उठे मेरे साथ चलें और चल के बात करें उससे, आज हिसाब होगा, मैं देखती हूँ जरा। उठिए, सोने का वक्त हो रहा है, क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ उठिए और चल के पूछिए, मेरे पे ये इल्जाम क्यों लगाया उसने नजर लगाने का। बावली हो गई है क्या? बस उठिए उठिए, उठिए का, ठहर जा, टोपी कहाँ है मेरी, जल्दी करें, ये नहीं टोपी, जल्दी करें। तो भाई यार तू तो कमाल कर रही है। नहीं आज नहीं, हला के घोड़े पे सवार है आज नहीं, नींद भी खराब कर दी सारी, कम वक्त, ठहर जा। अरे मेरे बोला, अरे मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि ये आरफा भाभी की नजर इतनी खराब है कि सोने को भी देखेंगी ना तो रखे रखे गोबर हो जाएगा वो। अम्मा ये खाने के वक्त क्या गोबर की बातें लगाई हुई हैं? मैं तो यूं कह रही हूँ, गलत थोड़ी कह रही हूँ, आजमाई भी बात है ये। नुसरत खाला मेरी चचेरी बहन, उनकी शादी में सुन लो अपने सोने के वो झुमके पहन के गई थी 5 तोले वाले। अब हॉल में तशरीफ लाती है आरफा भाभी, चली आ रही है, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कहने लगी हाय इतने प्यारे झुमके, बस लग गई नजर। नुसरत की रुखसती में वो रोना धोना करके जब गले मिलकर वहीं यूं हटी हूं तो कान का एक झुमका गायब, पूरा हॉल तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, झुमका ना मिला। भाई ये होता है गंदी नजर का नतीजा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, भाभी आइए आइए खाइए। नहीं नहीं यहाँ नहीं, ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं यहाँ पर आ रहा है। हाँ। नाजी जल्दी से ताइमी ताइबू को लेके जाओ। बैठिए भाईजान, बैठे। हाँ भाई आ रहे हैं अभी। मैं तो खा रही हूँ। अरे भाई साहब है खड़े भी, दुपट्टा नहीं पहना। अभी आए भाई साहब, उठो जल्दी, एसी चला लें, दरवाजा बंद कर देना अंदर से। यकीनन ये मेरी शिकायत करने आई है मियां गुस्से के साथ। क्यों? मगर आपको कसम है हमारी मोहब्बत की, दबिएगा मत, ढीले नहीं पड़ना आपने। तुम देखती जाओ, बस जल्दी जल्दी खाओ, भर भर के खाओ, मुंह भर भर के खाओ, मुंह के अंदर जाने से पहले खत्म करना। अच्छा करो, अरे खा जा खा जा। देख ली अपनी आंखों से अयाशियां हैं क्या चल रहा है, ये ब्रोस्ट चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं, देख लो। जैसी बातें कर रही हो आप, किसी के खाने पे तो हम टोक नहीं सकते ना। अच्छा चलो खाने पे नहीं टोकते, ये बताएं कि ये जो सोफे के कवर हैं, ये पर्दे हैं, ये सब नए हैं, पिछले हफ्ते तो नहीं थे, कहां से आए? हाँ ये बात तो सही कह रही हो। अब मुझे ये बताएं साफ साफ सच्ची सच्ची मेरी कसम,
ये जुल्फिकार को क्या 1-1.5 लाख रुपए देते हैं तनख्वाह में? मैं बावली होगी क्या? 1-1.5 लाख का है क्या? 30,000 रुपए महीना देता हूँ मैं उसको। 30,000 में तो ये अयाशियां नहीं हो सकती हैं। हम तो मुश्किल से हफ्ते में एक दिन गोश्त खाते हैं, यहाँ मजे चल रहे हैं। हो गई जी भाई साहब, जी भाभी साहब। वालेकुम। हाँ भाई, वो असल में भाई वो मैं तो सोने के लिए लेट गया था, तेरी भाभी को कुछ शिकायतें कर रही है, वो सुन ले जरा। क्या क्या भाई साहब, हुक्म कीजिए। भाई बात सुनो, ये तुम्हारी जो बीवी है ये सारा दिन अजीबोगरीब किस्म के ऊंची आवाज में घर में गाने बजाती है। भाई मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, शरीफों का मोहल्ला है, कि ये शायद इस घर में मिरासियों की औलाद रहती है। और अल्लाह माफ करे, गाने भी ऐसे अखलाक बाख्ता कि वो क्या है, तरसता है ये दिल, सलाम कर लो, आ जाओ चले जाओ, ऐसे के सुन के गंदे गंदे ख्याल आने लगे। वैसे भाभी, ये इंसान के अपने अंदर का गंद होता है जो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। इसी सिचुएशन पर मरहूम तारिक अजीज का ऐसा अच्छा शेर याद आया है। एक मिनट, मैं अनाउंस करता हूँ। देखती आंखों और सुनती कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। जी, लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। वाह वाह वाह, मुकर्रर। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। अरे वाह 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 वाह, आदाब है, चुप कर, वाह वाह का बच्चा। तुम ने शेर और शायरी की महफिल लगाई है भाई, जो बात करने आए वो बात करो, खत्म करो इस बात को। भाई साहब, बात बस इतनी सी है कि आपकी बीवी का बस चले तो हम लोगों का सांस लेना भी दुभर हो जाए। देखिए, बकवास शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई बकवास। तुम भी तो बड़े छोटे का लिहाज किया करो कुछ। हाँ, और मुझे एक चीज बताओ, ये पुरानी पुरानी तस्वीरों पे इस तरह की बातें करने का क्या क्या तुक बनता है? अरे मैंने कहाँ बनाई भाई साहब बातें, मैं तो काम कर रही थी घर में, वो ऊपर से उतरी, उकसा गई मुझे, बस निकल गया मुझसे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, या अल्लाह तौबा। पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना तो मर जाया करते थे, इनको तो बुखार भी नहीं चढ़ता। अभी अच्छा भाभी जान, हम एक काम करते कि मामले को समेटने की कोशिश करते, बस खत्म। अरे जुल्फी, तू तो चुप कर जा, बोल ना तू बिल्कुल। अरे क्या क्या समेटेगा, कौन कौन सा गन समेटेगा अपनी बीवी का? इससे पूरे खानदान ने मुझे बदनजर मशहूर कर दिया। भाई कुछ शर्म करो भाई, ये कोई बात है करने वाली? ये कोई इंसानियत है? छोड़िए, आप भी किन लोगों को इंसानियत सिखा रहे हैं? अरे दफा करें, इनको कोई शर्म हया तो है नहीं? इसको देखे जरा, देखे कैसे माश के आटे की तरह ऐठी बैठी है। है कोई इसे फर्क पड़ता है? कोई इसे एहसास किसी को गलती की है? चलिए उठे यहाँ से, मैं नहीं बैठने दूंगी आपको। चले, सुने भाभी को, चले मैं कह रही हूँ। चलिए चलिए, हाँ एक बात सुन लो, ये तुम रोज रोज खाते हो ना ब्रोस्ट और बर्गर, बाहर के खाने, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं। रोज रोज कोई खाते हैं, हम तो कभी कभार खाते हैं। अरे मेरी बात सुन पहले पूरी, दिल की नालियां बंद हो जाएंगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। घर के खाने खाना सीखो, सादी दाल सब्जी, अयाशी बंद करो। चलो चलो, चलो, चलो। हर वक्त मुंह में ठूसते रहो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अरे अरे अरे, नजर लगा गई है? मेरा मैदा बोल रहा है। अच्छा, नजर लगा गई। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आए, सुनो, इसबगोल लेके आता हूँ, इसबगोल जल्दी। ये मिर्ची रोज कहाँ गायब हो जाती है, यही तो रखी थी, कहाँ गई, कहाँ चली गई, यही तो रखी थी। ये ढूंढ रही है ना? हाँ ये ढूंढ रही थी। जो मैंने तुझे नजर लगाई है वो उतारना चाहती है? हाँ हाँ ऐसा ही। आजा आजा आजा, ले 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 ले, लेगी। मेरी नजर तुझे खा जाएगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे क्या हुआ साहिबा, क्या हुआ? बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। क्या? बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। क्या? बहुत बुरा ख्वाब देखा, बाद में नजर लगा दी बाबी ने मुझे। ओहो क्या देखा? नजर लग गई, बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। क्या हो गया अम्मा, क्यों चिल्ला रही है?
कल रात को आपका भाभी ने नजर लगाई थी खाने पे, मुझे फूड पॉइजन हो रहा है और रोड से पड़ रही है। क्या जल्दी से मिर्ची साबुत मिर्ची लेकर लाल वाली मेरी नजर उतार जल्दी से। माँ लाल मिर्च कल ही खत्म हो गई थी, बताया तो था खाने में तो डलती नहीं है, अब्बा सब नजर उतारने में चली जाती है उनकी वजह से। अरे बात सुन, तुझे पता है लाल मिर्च का भाव जो चल रहा है ना इस वक्त, वो क्या चल रहा है? 256 रुपए पाओ। तो कितनी दफा कहा है तुमसे, बोरा भर के जोड़िए बाजार से ले आओ। हाँ, पूरा एक बोरा भर के ले आऊँ और बाहर चिया लगा लूँ और लाल मिर्च बेचना शुरू कर दूँ। ओहो, मुझे तो बताए मैं क्या करूँ। आइए मुझे और साबुत लाल मिर्च लेकर आनी, जाओ ना जल्दी जाओ। अब्बा ये उन्हीं की मिर्चों से उन्हीं की नजर उतारेंगी। जाना लेकर आ जल्दी से। सुन, उनको पता ना चले किस लिए मंगवाई है। अच्छा कहना खाने वाने में डालनी है। अच्छा जाओ आए। बात सुन साइमा, ये जो नजर है ये किसी सस्ती चीज से नहीं उतर सकती। मेरा मतलब है गांव तकिए से या कैसी डेंजरस सिचुएशन में हूँ मैं इस वक्त। तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? अब खर्चे की बात कर रहा हूँ, मजाक क्या नजर लगी पड़ी है? मिर्चे है नहीं, उनको मजाक सूझ रहे हैं। आए बड़े मान से। रोज का टंटा है ये तुम्हारा नजर का, रोज का टंटा। आए जा पीठ मोड़ो सो जाओ, तुम बाढ़ में जाओ। आए अल्लाह मुझे बचा ले। बचा ले ये नहीं होता कि हाथ रोक के खा ले। वो जो तुम्हारी भावज नजर लगा रही है मुझे। सलाम अलैकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? ताई अम्मी वो साबित लाल मिर्ची चाहिए थी। वैसे एक बात की मुझे समझ में, ना तुम लोगों का अपना घर है ना तुम्हारे अब्बा का कोई कारोबार है, और तुम्हारी अम्मा भी कोई काबिल औरत तो है नहीं, और तुम तो मैट्रिक के बाद घर ही बैठ गई थी, कि तुम जैसों को इतनी बाकायदगी से नजर लगाएगा? ताई अम्मी गलत समझ रही हैं आप, वो मिर्चें तो दाल में बघार लगाना था ना, उसके लिए चाहिए। अरे चल, तुम लोग तो गोश्त खोर दरिंदे हो, तुम लोगों ने कौन सी दाल को बघार लगाना? हाय अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहती हैं अम्मा, आपकी तो भाई लोगों के खाने पीने पे भी इतनी बुरी नजर है। अरे बकवास बंद कर, कोई शर्म लिहाज है बड़े छोटे का? सॉरी ताई अम्मी, अब लाल मिर्च ले लो। रुक, मैं लेके आती हूँ खुद। चले गए। ले पकड़। और सुन, मुझे याद आया, ये बता कि उस लड़के के साथ स्कूटर पे कहाँ घूम रही थी तू? कौन सी स्कूटर, कौन सा लड़का? अरे वही जो मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है, कई बार आया हमारे घर में गेंद लेने के बहाने। क्या नाम था उसका? क्या कह रही हैं, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप। क्या नाम था याद ही नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका? गुल्लू, हाँ गुल्लू ही तो नाम था उसका। अब मैं किसे गुल्लू वुल्लू को नहीं जानती, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं। अरे चल झूठ ना बोल, दुनिया देखी है मैंने, इंसान की चाल देख के ना उसका किरदार बता देती हूँ मैं, और तुझे तो मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है स्कूटर पे घूमते हुए। अल्लाह ताई अम्मी, तोहमत लगाने वाले भी ना जहन्नुम वासे होंगे इंशाल्लाह, शर्म करे कुछ, जा रही हूँ मैं। कितनी तेज लड़की है, देख मुँह पे मुकर गई। तुझे तो मुकर के बताऊंगी तेरा बंदोबस्त, तू ठहर जा जरा। तू लेकिन नाजिया यार, हम तो इतना ख्याल रखते हैं, उनको कैसे पता चल गया? चील के लेंस लगाती हैं हमारी ताई अम्मी, बहुत तेज नजर है यार, देखा ही होगा तभी कह रही हैं। अच्छा खैर तुम घबराओ नहीं, वैसे भी हम टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने तो शादी करनी है ना। अरे भाई तुम शादी तक कहाँ बात ले जाते हो, बदनामी तो अभी हो रही है ना। भाई यार एटलीस्ट भाई तो मत बोलो मुझे। I'm sorry जान, वो गलती से मुंह से निकल गया। तुम भी ना। अच्छा बताओ करना क्या? गुल्लू मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमसे कोई कुछ भी पूछे ना तुम साफ मुकर जाना। कैसे मुकर जाऊँ, हम इतनी बार डेट पर तो जा चुके हैं यार। तो गुल्लू अम्मा को ये थोड़ी बता के आती हूँ कि गुल्लू के साथ डेट पर जा रही हूँ, अपनी दोस्त शाजिया
क्या नाम है उसका, शगुफ्ता के घर का कह के आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अजय तुम्हें पता ही नहीं है कि कितनी फसादन औरत है हमारी तालीम की, उनका कोई भरोसा नहीं है, गुल्लू कुछ भी कर सकती है। यार जो भी होगा हम देख लेंगे, वैसे भी हम तो दूसरे से प्यार करते हैं ना, और जब प्यार किया तो डरना क्या। बातें तो बड़ी बना लेते हो तुम, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि लड़कियों को बातें बनाने वाले मर्दों से ज्यादा वो मर्द पसंद होते हैं जो उनके लिए कुछ करके दिखाएं। अच्छा क्या करते हैं? मतलब गिफ्ट देते हो, तोहफे देते हो। यार तुम हुक्म तो करो, क्या चाहिए तुम्हें? वो क्लिफ्टन वाला शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ पे एक मेकअप किट देखी थी यार, कसम से दिल आ गया था उससे। लेकिन पैसे नहीं थे ना तो ले नहीं सकी मैं। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो यार, मैं दिला दूंगा। कितने की थी? 16,000 रुपए की थी बस। क्या 16,000? 16,000 का एक मेकअप सेट? पता था मुझे, पता था कि कीमत सुन के झटका लगेगा तुम्हें। लेकिन गुल्लू मर्द तो वही है ना जो सखी हो। कंजूस मर्दों को तो मर्द ही नहीं समझते, और पैसे के मामले में लीचड़पन दिखाने वाले मर्द ना जहर लगते हैं मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है नाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ला के दूंगा तुम्हें। बट यार एक मसला है, इस महीने ना अम्मी की दवाओं की वजह से थोड़ा बजट टाइट है, तो अगले महीने बस तनख्वाह मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। ओके सच्ची? थैंक यू गुल्लू, थैंक यू। नाजिया, नाजिया, अरे जल्दी आ नाजिया। क्या हो गया अम्मा, शोर क्यों मचा रही हो? ये देख ले। क्या दिखा रही हो, क्या देखूं? तावीज। मुझे पता है, ये पता है किसने रखा है? ये आरफा भाभी ने रखा है, कल यहाँ बैठी हुई थी। बाबा मुझे पहले ही शक था कि ये औरत सिर्फ नजर ही नहीं लगाती बल्कि जादू टोने भी करती है। कुछ नहीं अम्मा। अरे हाथ मत लगाना। अरे अम्मा देखने तो दो क्या है। अरे अल्लाह मेरी बच्ची को हिफाजत। बोल ना क्या लिखा है उसमें। हाय अम्मा ये क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है बोल। इसमें लिखा है कि साइमा को फूड पॉइजन हो जाए, खून की उल्टियां लग जाए, उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अल्लाह बचा ले, कहां फंस गए? अरे अल्लाह बचा ले। कुछ नहीं है अम्मा, ये जो मोबाइल के बैलेंस के लिए पर्ची दी थी ना वो है, कोई तावीज वावीज नहीं है। चल हट यहाँ से, जरा सी देर में मेरा दिल निकाल के रख दिया। चलो यहाँ से हटो, उधर बैठ। वैसे अम्मा तुमने ताई अम्मी को बड़ा सर पे सवार करके रखा। तू अभी छोटी है, तुझे अंदाजा नहीं हो सकता, ये जो रिश्तेदार है ना ये दुनिया की खबीस तरीन फारिग तरीन मखलूक है। वैसे ठीक ही कह रही हो अम्मा, उस दिन जब मैं लाल मिर्ची लेने गई थी ना तो ताई अम्मी ने मुझसे बहुत गलत गलत बातें की। क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आई, लेकिन शायद मेरे कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कह रही थी। क्या कैरेक्टर, क्या कहा उन्होंने? कि मैं शक्ल से बहुत दो नंबर और चालू लगती हूँ, और मेरा गली के किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अम्मा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में कोई मसला हो, वैसे ही दो दिन से कितनी टेंशन चल रही है। ऐसी की तैसी फेर दूंगी मैं उसकी, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी के किरदार पे तोहमत उछाले? अरे मैं तो तहस तहस कर दूंगी उसको। देखती देखती भाभी। अब आएगा ना मजा ताई अम्मी को। भाभी की बच्ची आरफा भाभी। क्या हो गया सुल्तान राय की तरह एंट्री मार रही हो कि फिल्म देख के आई उसकी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई
मेरी बेटी के किरदार पे तोहमत उछालने की। तो अच्छा बता दिया उसने तुम्हें। देखो बहन, अपनी बेटी को संभाल के रखो, ऐसा ना हो तुम दोनों मियां बीवी का मुंह काला करा दे। मरने से पहले इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ मेरे मकबूल को। हमला अल्लाह। ए भाभी, अरे कोई है? हाय कहीं मर तो मरा, अरे मर मरा तो नहीं गई नाजिया? अरे क्या नाम था लड़की का, कहाँ हो? तुझे तो मैं देख लेती हूँ जरा। है हराम खोर, है मेरे पीछे पड़ गई, देखो तो जरा। दिखाना जापानी, दिखा जापानी। जुल्फी जी भाई साहब आओ। जी आया जी भाई साहब। क्या हो रहा है? क्या भाई साहब? अरे इस तरह कोई देखता है? हाँ? यहाँ को ऐसे देखते है कोई? ऐसे ये क्या हो रहा है भाई साहब? मैंने क्या किया है, मैं तो ग्राहकी कर रहा हूँ, जापानी कपड़ा दिखा रहा था। अरे मैं यहाँ से मुस्तकिल देख रहा हूँ, उसको ऐसे देख रहा जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा होता है, बाछे खिली भी दे रही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप ही ने तो समझाया है कि ग्राहक से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। एक मिनट, उसका फोन आ गया। अरे बेगम का इस वक्त क्या मांग रही है वो? हेलो, हाँ हाँ, क्या क्या परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ, निकल रहा निकल रहा हूँ। चल 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 भाई साहब, क्या हुआ? तुम्हारी पावली बेगम ने मेरी बेगम को कातराना हमला कर दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, चल चल निकल आजा। तो आप जाए ना भाई साहब, मैं नहीं जा रहा। तू क्या उसको पकड़ेगा कौन भैंसे को? चल अच्छा चल चल आजा। अब अशरफ दुकान का ख्याल रखियो। पूछे भाई साहब इनसे, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाते भी शर्म नहीं आई इनको, है ना? है ना? है ना? मकबूल जी इससे पूछे, इसने जो मुझ पे कातिलाना हमला किया इसे शर्म नहीं आई? हेलो, झाड़ू से कौन सा कातिलाना हमला होता है? बात का बतंगर ना बनाओ। सोचने की बात है, भला झाड़ू से इंसान कैसे मरता? हाँ चेटा मर सकता है, लाल बेग मर सकता है। बात तो ये भी सोचने की मियाँ कि झाड़ू कोई किसी ने क्यों उठाता है, अब इसे शर्म नहीं आई कि अपनी जेठानी पे झाड़ू उठाए वो? भैसाम मैं तो नीचे झाड़ू लगा रही थी, ये किस्सा हुआ, मुझे आ गया गुस्सा, मैं ऊपर भागी, मेरे हाथ में झाड़ू थी। बस बस आप असल बात से मत हटें भाई साहब, आप इनसे पूछें कि इन्होंने मेरी बच्ची पे इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया। अबे अब बोल दिया तो बोल दिया ना यार, क्या करें अभी? अरे मैंने तो जो देखा वो बोल दिया, उस लड़के के साथ स्कूटर पे घूम रही थी, इल्जाम नहीं लगाया, जो देखा कह दिया मैंने। क्या कह रही है भाभी? अब्बा वो मेरी दोस्त है ना शगुफ्ता, उसका भाई था, मुझे घर छोड़ने आया था, मेरे भी भाई जैसा है, इनकी तो ज़हनियत ही गंदी है। ये देखा ज़बान कैसी चल रही है, बदतमीज़ की, देखा तेजी की तरह। हाँ तो क्यों नहीं चली उसकी ज़बान, जैसे इल्जाम तुमने उसके ऊपर लगाए हैं वो जितना कहे कम है। आए बस ठीक है, ऐसा करो वो गुल्लू को बुला लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उस बावले को बुलाओ। अब हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है भाई, जाओ ले आओ उसको गुल्लू को, अभी पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। या अल्लाह, आप लोग क्यों पूरे मोहल्ले को बताने चाहते हैं इस घर का माहौल ऐसा है? नहीं नहीं बेटी, आ लेने दे आज दूध का दूध पानी का पानी, हो लेने दे आज, है ना? जाओ जी। अब जाना जुल्फी, जा गुल्लू का अभी लेकर जाओ जी, लेकर आओ उसको। गुल्लू का गुल्लू अभी देख लेते बेटा, कोई बात नहीं। अब जो कर क्या, तो वो तो पक रही है, इस कदर की बड़ी अदाकारा मैंने घर में।
क्या हो गया भाई? गुल्लू, गुल्लू हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल के बच्चे चल मेरे साथ, उठ चल। क्या हुआ? अंकल के बच्चे मेरे साथ चल, चुप करके बस। अंकल कहाँ लेके जा रहे हैं? तू चल अभी पता चलता है। अबे कहाँ गया लेने उसको? आ गया आ रहे। हाँ। दो मिनट की बात है, बस दो मिनट की। मैं अभी अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चला भाई चल। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे ये है ना, है ना गुल्लू? हाँ यही तो था वो मनुष्य। अरे बोल भाई, बगैर तू ही था ना लेके फिर रहा था ना नाजिया को स्कूटर पे तीन दिन पहले। बता क्या हो गया आंटी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। हाँ देखा हो गया। हाय हाय झूठ बोल रहा है। अरे बेगैरत क्यों अपने लिए कब्र का अजाब बढ़ा रहा है? अरे सच बोलना, तू ही तो था स्कूटर पे लेके इसे फिर रहा था। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो दो तीन दफा मैंने इसको गली में आते जाते देखा है, और मुझे तो पता भी नहीं था ये यहाँ रहती है। देख लिया हो गई तसल्ली। गुल्लू तुम इनकी मजीद तसल्ली करवा दो, कह दो कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। है हाँ हाँ ये बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। अल्लाह। और गुल्लू भी बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे है। या अल्लाह, कोई और तमाशा करवाने रह गया तो वो भी बता दे। भाभी तुमसे अल्लाह पूछेगा, जैसे तुमने मेरी मासूम सी बच्ची का चुड़िया जैसा दिल दुखाया ना, इंशाल्लाह कबर में कबर के बिच्छू और चेटे चिपकेंगे तुमको, देख लेना आगे। हो गई तसल्ली तुम्हारी? हो गई ना। अबे कितनी दफा समझाया कि दूसरों की बहू बेटियों पे गलत इल्जाम मत लगाया करो, लेकिन ये तो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट, कि किसका चक्कर किस लड़की का किस लड़के से चल रहा है। बोल जी। अबे चुप कर, कोई बात नहीं सुननी। हम बखत दिमाग खराब कर दिया। क्या हो गया? खुदा बेड़ा गर्क करे इन सबका। अल्लाह मियां तुझे तो पता है ना ये सब सच था। अब गुस्सा थूक दो, बस थूक दो। दिल चाह रहा है ये गुस्सा ना भाभी के मुंह पे जाके थूकूं। अरे साहिबा डार्ली, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तुमने देखा नहीं, अल्लाह ने खुद ब खुद कैसी बेइज्जती कराई उनकी, शिकल देखी थी उनकी। वैसे एक बात बताऊं जुल्फी, क्या मेरे साथ आज तक जिसने भी नाजायज किया है बर्बाद हुआ है। हाँ तो है, मैंने तो नहीं किया ना। अम्मा मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही बेटा? इस घर का ऐसा माहौल है कि मैं पागल हो जाऊंगी, इसीलिए अपनी दोस्त शगुफ्ता के पास जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, यहाँ पागल मत हो ना, समझी? जाओ शगुफ्ता से मिल लो, फ्रेश हो जाओगी। खुदा हाफिज। शाबाश। देखो भाई अब गुस्सा खत्म। आई आई अन्ना। थैंक यू यार गुल्लू, आज तुम्हारी वजह से बचत हो गई मेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे घर किस मुंह से रिश्ता लेके आऊंगा? अभी उसमें बहुत टाइम है गुल्लू, हम देख लेंगे क्या करना है। अच्छा एक और बात करनी है। बोलो। वो तुमने अपने घर वालों के सामने मुझसे कहलवा दिया कि तुम मेरी बहनों जैसी हो, और मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यार गुल्लू पागल, शादी से पहले तो सब बहन भाई होते हैं ना, और मैंने कौन सा दिल से तुम्हें अपना भाई कहा था, मजबूरी थी मेरी यार। अच्छा फिर ठीक है, अब चलो यहाँ से, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है आज। पैसे रख के लाए हो ना तुम? मेरा मूड ठीक करने के लिए आज तुम्हारा काफी खर्चा होने वाला है। हाँ यार तुमसे बढ़कर है पैसा, बहुत सारे पैसे लेके आया। चलो बैठो।
जुल्फी। हाय जुल्फी, मेरे पैसे। दरवाजा तू बंद करो। इतने पैसे तुम्हारे पास? दरवाजा बंद कर। 4000। कहाँ से आए इतने पैसे? ये पैसे बता रहा हूँ वो मैंने जमा किए। लो, तुम्हारी तनख्वाह में तो इतनी गुंजाइश है नहीं। ये पैसे कहाँ से जमा कर लिए तुमने? बैठो। वो असल में भाई साहब जब दुकान में अच्छी बूनी होती है ना, सेल अच्छी होती है ना, तो मुझे बोनस देते हैं अलग से। 2,500 रुपए ऐसे ही दे देते। तो ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? पागल हो गई है साहब? जो मेरी चीज है वो तुम्हारी चीज है। अब वो जो प्लॉट है हाईवे का, उसकी भी तो किस्तें अदा कर रहा हूँ उससे। देखो, उस प्लॉट पे जब घर बना लो ना, तो उस घर की चाबी गुच्ची के बैग में डाल के देना, नहीं तो नहीं लूंगी। अरे क्यों नहीं, प्रॉपर्टी बन जाएगी अपनी। लो, तुम्हारी बातों में एक बात करना भूल गई, इतना जरूरी काम। बोलो। नाजिया का रिश्ता आया है? लड़का दुबई में है, इकलौता है माँ बाप का। कौन लोग हैं वो? मेरी सहेली नहीं है ना, अखमाना, उन्हीं के साथ की बिरादरी के हैं कुछ। फिर तो परसों आने को कह रहे थे, अब तुम कहो तो मैं बुला। अरे हाथ कंगन को आर से क्या, फौरन बुलाओ, फौरन। अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है उसके रिश्ते आने। अरे क्यों नहीं खुशी होगी, हम हमारी इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, तुम पे कसम है जुल्फी, अगर तुमने इस रिश्ते की बाबत भाभी आरफा के सामने भाप भी निकाली हो मुंह से, पागल हो गई है, कौन निकालेगा? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों को उनकी नजर लग जाए। भाई नहीं नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो। तुम भी खाओ। हाँ खा रहा हूँ। आज का दिन कितना अच्छा गुजरा ना गुल्लू। हाँ बहुत। लेकिन अगर वो 16,000 वाली मेकअप किट तो मुझे आज दिलवा देते ना, तो दिन यादगार हो जाता मेरा। यार वो बताया था ना मैंने, थोड़ा पैसों का इशू। कोई बात नहीं, बाद में दिला दूँ। हाँ हाँ जरूर। वैसे गुल्लू, मैं उन लालची लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ जो पैसों के लिए लड़कों को लूटें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। मैं तो इतनी खुदगर्ज हो ही नहीं सकती यार। तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मुझे इतनी पसंद हो। वैसे लकी बहुत हो तुम कि तुम्हें मेरे जैसी लड़की मिली। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई तेज तरार टाइप लड़की होती ना, तो तुम्हें बेच के खा जाती, तुम्हें पता भी ना चलता। हाँ यार ठीक कह रही हो, आजकल तो लड़कियों का बिल्कुल भरोसा नहीं। और नहीं तो क्या, इंसानियत तो जैसे खत्म ही हो गई है लोगों में से। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ नाजिया, कि तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, इतनी समझदार भी हो। मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे तुम जैसी बीवी मिले। मुझ जैसी क्या मतलब है, मैं क्यों नहीं? हाँ जाहिर है, अब तो तुम ही हो। अच्छा सुनो गुल्लू, मेरे मोबाइल की ना टच स्क्रीन खराब हो गई है। मैंने मोबाइल वाले को दिखाया था तो उसने कहा कि 15,000 रुपए का खर्चा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पुराने मोबाइल पे इतना खर्चा करवाने से अच्छा है कि एक नया मोबाइल ही ले लूं, है ना? हाँ भाड़ में डालो, इतने पैसे ले रहा हूँ भी पुराने मोबाइल के, इससे बेहतर है तुम नया ही ले लो। लेकिन मसला ये नहीं है ना गुल्लू, नया मोबाइल ना 45,000 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं। तो कोई बात नहीं, अगले महीने मेरी कमेटी खुल रही है तो बाकी के पैसे मैं डाल दूंगा, सही है? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है गुल्लू, तुम वैसे ही मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। अरे क्या हो गया यार,
तुम मेरे साथ तकल्लुफ करोगी? हम दोनों अलग थोड़ी ना है, हम दोनों तो एक ही हैं। थैंक यू गुल्लू। वैसे अम्मा, अगर इसके नकली बाल लग जाए तो इसकी शक्ल की नहुसत कुछ कम हो सकती है। अबू दुबई वाले अब है ना, है ना? माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अरे नखवाना, आपकी फैमिली की बड़ी तारीफें कर रही थी। बस बहन, मुझे तो अपने बेटे के लिए एक अच्छे शरीफ घराने की लड़की चाहिए थी, और आपको तो पता है आजकल सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की शादी भी बड़ी देखभाल के करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा बहन आपने, ये जमाना आजकल जो है ना बिल्कुल पस्ती की तरफ चला गया है, और ये जो नीच और कमीने लोग हैं हराम की कमाई से अमीर बनकर बैठ गए हैं, और जो खानदानी लोग हैं वो अलग नजर आते हैं, ना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बहन, नाजिया बेटी को तो बुलवाएं। हाँ हाँ, आप बुलवा लीजिए। हाँ। मैं बुलवा लीजिए। नाजिया बिटिया आइएगा, देखिए कितनी प्यारी आंटी आई हुई है आपसे मिलने के लिए। आइए नाजिया। आ गई आ गई आ गई। आइए बेटी आइए, सलाम करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपकी बच्ची तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। माशाल्लाह है ना। बेटा आपकी एजुकेशन कितनी है? बहन देखिए, लड़कियों ने आगे जाके क्या करना है, वही चूल्हा चौकी, तो हमने मैट्रिक से आगे पढ़ाया नहीं उसे। लेकिन बहुत बेहतरीन तरबियत दी है, हमने हमेशा हलाल का निवाला खिलाया अपनी बच्ची को, है ना? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह, मुझे तो आपकी बच्ची बहुत ज्यादा पसंद आई, और आप दोनों भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा, आप एक काम करें ना, ये मेरे बेटे नासिर की तस्वीर, इसके पीछे सारा बायोडेटा लिखा है। खट्टा खट्टा है भाई, प्यारा है माशाल्लाह। भाई वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर का पता नहीं। ये देखना, ये देखना, शक्लें इंसान का किरदार बता देती है। और ये देखो कैसा उजला उजला लड़का लग रहा है माशाल्लाह से। जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी माशाल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। हाय अल्लाह अम्मा, तुम और अब्बा इसकी, इस मनोज की इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो लगा कोई बिलाल अब्बास जैसा खूबसूरत लड़का होगा। ये तमीज से बात कर, तेरा होने वाला शौहर है वो। अम्मा देखो तो सही, गंजा है ये, मुझे नहीं करनी से शादी। ए तो क्या हुआ जो गंजा है ये? ये तो आजमूदा बात है, जो गंजे होते हैं ना वो बहुत अमीर लोग होते हैं। अम्मा अगर शक्ल अच्छी ना हो तो पैसों का क्या फायदा? है क्या बावली हो गई, उल्टी सुल्टी बात कर रही है। पैसा इंसान के सारे ऐब छुपा देता है, और जितने टीवी अदाकार हैं सब गंजे हैं। हाँ आजकल तो वैसे ही बड़ी आसानी है, नकली बाल लगवा लेते हैं सब। वैसे अम्मा अगर इसके नकली बाल लग जाए तो इसकी शक्ल की नहुसत कुछ कम हो सकती है। बस मैं कह रही हूँ इसको डन करो, सीधा साधा लगता है शक्ल से। अरे ऐसे काट के उल्लू किस्मत वालियों को मिलते हैं। लेकिन अम्मा मुझे किसी समझदार मर्द से शादी करनी थी। घास चर गई है क्या? शादी हमेशा कम शक्ल और कम अकल वाले से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मर्द खूबसूरत है तो खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, और अगर वो समझदार है तो वो बीवी का जीना हराम कर देता है। लेकिन अम्मा इसको देखो तो सही, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे मेरी बच्ची, मर्दों की शक्ल नहीं देखी जाती, मर्द जितना बदसूरत होता है खूबसूरत बीवी से उतना ही दबा हुआ रहता है। ठीक है अम्मा, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। है मैं सदके जाऊँ मेरी लाडली, इधर आ मैं तुझे प्यार कर लूँ। जीती रहे मेरी बच्ची। ताई अम्मी को बताएंगी? ना ना ना, बिल्कुल इस बात को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल नहीं हो जाती कोई बात, इस बात को सीगे राज में रखना। और ताया अब्बू को? वो मैंने तुम्हारे अब्बा से कह दिया है भैसाब को किस तरह हैंडल करना। तो अम्मा अगर ताई अम्मी को नहीं बताओगी तो ताया अब्बू को बताने का क्या फायदा? सारी बातें नहीं बताई जाती, वो भी छोटी है।
मां साहब। हाँ बोलो। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो बोल भी। वो मां साहब अपनी बच्ची है ना नाजिया, हाँ उसकी बात पक्की कर दी। अरे अरे वाह वाह यार, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी खबर है यार, मुबारक हो। आए आपको भी बहुत मुबारक हो भसब, बस आपकी दुआएं चाहिए। अरे हाँ यार, हमारी बच्ची है, हमारी सारी दुआएं उसके लिए, अल्लाह खुश रखे उसको। बस भसब, साहिबा कह रही थी कि शाम में जब घर पहुंचेंगे ना तो एक 10 मिनट को हमारी तरफ रुक जाइएगा, जरूरी है। अरे हाँ हाँ आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, हम दोनों आ जाएंगे। हम नहीं भाई साहब, सिर्फ आप। हाँ, क्या मतलब? वो असल में भाई साहब सहमा चाह रही है कि जब तक डेट फिक्स ना हो जाए ना बच्ची की, तो आप आरफा बाबी से कुछ जिक्र मत कीजिएगा। क्यों भाई, क्यों क्यों? आपको तो बताइए, सहमा ये समझती है, मैं नहीं मानता ऐसी बातें, लाहौल वाला खुद, लेकिन सहमा ये समझती है कि आरफा बाबी की नजर जो है ना वो बहुत सख्त है, किसी पे भी लग जाए तो टिया पाचा कर देती है उसे। क्या बकवास है यार ये, यानी इस रिश्तेदारी में भी इस तरह की बकवास फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। भाई साहब मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको पता है ये औरतों की अकल बिल्कुल फारिग होती है, ये औरतों को समझाना ऐसा है जैसे रिक्शे में ऊंट को बिठाना। अब लानत है तुम लोगों पे यार, यानी खून के रिश्तों में अब ऐसी बातें होंगी। बस नाजिया हमारी इकलौती बेटी, और आप भी उसके बड़े अब्बा के बराबर है भाई साहब, नाजिया की खातिर आ जाइएगा 10 मिनट। ठीक है, नाजिया की खातिर आ जाऊंगा मैं। हाँ अकेले? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे कहाँ फ्रेश है, कच्चे हैं, कुछ गले हैं, दे एक पाव दे दो ये, और ये आधा किलो अरबी दे दो। हाँ भाई, वो यार एक धनिया गट्टी देना और 10 रुपए की हरी मिर्च, जल्दी। पकड़ा गया तू है? क्या क्या हो गया, छोड़े मुझे। अरे कैसे छोड़ू, जब तक सच नहीं बुलवा लूंगी छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या सच, कैसा सच? हैरत बेशरम, तूने झूठ बोल के झूठा बयान देके मेरे घर वालों के सामने मुझे जलील कराया है ना, अल्लाह पूछेगा तुझे, इंशाल्लाह ताला तेरा कोई ना कोई जानी या माली नुकसान होगा। ओ खाला पागल पागल हो गई हो क्या, ये क्या अल्फाज बोले चली जा रही हो? बेशरम बेशरम, माँ की उम्र की औरत को पागल बोल रहा है, सच बता, तेरा नाजिया से चक्कर चल रहा है ना? ये क्या तमाशा है, जाए यहाँ से। अरे तमाशा नहीं है, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, आइंस्टाइन के दिमाग की टक्कर की औरत हूँ मैं। अच्छा जब तक किसी चीज की खोज ना लगा लूं चैन से नहीं बैठती मैं। देखिए मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ और इस मोहल्ले मेरी इज्जत है, आप इस तरह सरेआम मेरी इज्जत का तमाशा नहीं लगा सकती। अरे चल, ये क्या पुरानी हीरो की तरह गहरे गहरे सांस लेके डायलॉग बाजी कर रहा है, तू नहीं बच सकता मुझसे, मैं बता रही हूँ तुझे, जरा ठहर जा, सब्जी ले लूँ फिर तेरी खबर लेती हूँ, तू आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, रुक जा जरा। वो एक्चुअली वो मैं ना थोड़ा सा जल्दी में हूँ ना। अरे हटे हटे, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी, अल्लाह करके डूब मरे तू, अल्लाह करके तेरी बीच बाजार में मोटरसाइकिल की चैन खुल जाए, अल्लाह करके ऐसा एक्सीडेंट हो कि दुनिया देखती रह जाए, लानती किरदार मनूस कहेगा। अरे बेटा पता है कि ये लड़का रहता कहाँ है? खाला इस गली में सीधे आज पे तीसरा घर है। अच्छा, ईमान से भाई साहब ये रंग इतना जचता है आपके ऊपर। भाई साहब अपने हाथ से दूध पत्ती बनाई भाई साहब आपके लिए। अब देखिए ना भाई साहब, हम लोगों में चाहे जितनी भी कशीदगी हो, चाहे जितनी नोक झोंक हो, भाई ये रिश्ता तोड़ा तो नहीं जा सकता, खत्म तो नहीं किया जा सकता। अब आप नाजिया के सगे ताया हैं, उसके बाप जैसे हैं। वैसे भाई साहब ईमानदारी की बात है कि मैं लड़की का सगा बाप हूँ, लेकिन जितना ख्याल सारी जिंदगी आपने रखा है ना मेरी बच्ची का, कोई नहीं रख सकता, है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, ये नहीं नहीं भाई साहब यही सच है, आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, देखिए रहने को हमें ये घर दे दिया, जुल्फी को नौकरी दे दी, कौन करता है ये, कौन करता है बताइए। हाँ हाँ अच्छा ये बताए करना क्या है? बस भाई साहब नाजिया की शादी करीब है, उसकी तैयारियां कर ली है, और आपको तो पता ही है इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, तो बेटी कैसे बिहारेंगे, तो पैसे चाहिए। जाहिर सी बात है 30,000 में पूरा कहाँ पड़ता है। अच्छा तुम लोग की शाह खर्चियां भी तो बहुत है, वरना एक शरीफ आदमी का 30,000 में पूरा महीना निकल जाता है।
ना भाई साहब ऐसा नहीं है भाई साहब, 30,000 में होता नहीं है कुछ। आप हमसे पूछिए, हम जिंदगी की कैसी बुनियादी जरूरियात को एक तरफ करते हैं, अपने अरमानों का खून करके करते हैं गुजारा। कभी कभार हमारा दिल चाहता है कि बाजार से मंगा के कोई चीज खा ली जाए, तो मंगा लेते, इसमें कौन सी चार जी। छोड़ो इस बात को, करना क्या बताओ, कब है शादी? असल में लड़का जो है ना दुबई से आ रहा है इस महीने के आखिर में, तो अगले महीने वो लोग कह रहे हैं शादी कर देंगे भाई साहब। तो कितना कितना खर्चा हो जाएगा? भाई साहब आप तो जानते हैं हमारी इकलौती बेटी, बड़े अरमान है, दिल चाहता है शादी धूमधाम से हो। अब इसमें तकरीबन 4-5 लाख तो लग जाएंगे, फिर दूल्हा वाले भी तो आते हैं, उनको भी देना दिलाना, घड़ी है उनकी अम्मा के, कंगन बुंदे सब। हाँ 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 ठीक ठीक है, मैं 5 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ बस, ताकि तुम लोग अपनी तैयारी शुरू करो। अल्लाह आपको खुश रखे भाई, बिल्कुल फरिश्ता, सेम टू सेम फरिश्ता लगे आप मुझे सब। अब आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे, बहुत बड़ा एहसान है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई एक बात है, वैसे आरफा से ये बात छुपा के अच्छा नहीं किया। नहीं भैसा, असल में भाभी दिल की पूरी नहीं है। हाँ बस सच पूछे, उनकी नजर से डर लगता है, नजर तो अपने प्यारों की भी लग जाती है, और नजर लगने के लिए नियत का बुरा होना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चेक लेके आता हूँ। अल्लाह को खुश रखे भाई साहब, आपके रिस्क में बरकत करे। आमीन आमीन। 5 लाख आए हाय, बिलेंडर हो गया क्या? वो अगर 5 के 10 मांग रही थी तो ले आते हो। ठीक है 5 तो मिल रहे हैं, 5 का मैं करूंगा इंतजाम। हाँ ऐसे क्या कयामत आ गई थी गुल्लू, जिस तरह छत पे मिलने के लिए बुलाया है। नाजिया मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले बताओ वो 500 वाला मोबाइल का कार्ड मंगवाया था, लाए हो कि नहीं? हाँ यार ये लो। गुल्लू तुम्हें कितनी दफा समझाया है किस तरह छत पे मिलना माली खतरनाक हो सकता है, समझते क्यों नहीं? नाजिया नाजिया मैं अभी बाजार में था और मुझे महात्मा तायमी मिल गई। क्या? हाँ इतनी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ा के आया हूँ मैं। क्या कह रही थी? यही कि मुझे पता है तुम्हारा नाजिया का चक्कर चल रहा है। या अल्लाह इस औरत को और कोई काम नहीं है जो मेरे ही पीछे पड़ गई है। या नाजिया मैं इतनी मुश्किलों से घर से छुपते छुपाते निकला हूँ, तुम्हारी ताई अम्मी है ना बहुत डेंजरस औरत है। गुल्लू इज्जत मेरी दांव पर लगी और हाथ पांव तुम्हारे फूल रहे, मर्द बनो। तुम्हें क्या करूं बताओ, अब तो फंस गए हम लोग यार। अब आएगा ना मजा, सायमा की इज्जत का तो फालूदा निकल जाएगा। खानदान के हर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगी ये वीडियो, क्यों देखती हूँ क्या? अल्फा, अरे भाई क्या देख रही हो, क्या हंस रही हो, बड़ी खुश हो रही हो हैं? एक कॉमेडी वीडियो देख रही थी। अच्छा चलो ये बताओ मेरी चेकबुक कहाँ है? वही रखी है अंदर, यहाँ रखी है। अच्छा अच्छा खैरियत तो है, ये अचानक किसको पेमेंट करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो एक पार्टी आ गई है, उसको इमरजेंसी में पेमेंट चाहिए। वक्त में आ रहा हूँ। हाँ गेट पे खड़ा है, वो देख के आ रहा हूँ।
अरफा ओ अरफा, अरे भाई खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। अरे कहाँ चली गई अरफा? तो क्या हो गया, क्या कानों में वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मोम है? सुन क्यों नहीं रही, खाना दे, भूख लगी है यार। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो, जिन में चढ़ गया क्या? कोई जिन में चढ़ा नहीं। तो क्या हो गया यार, खाना दे दो, भूख लगी है यार। खाना जाके मांगे अपनी प्यारी भावत से, जिसको इतना भारी चेक दे के आ रहे हैं आप। क्या कह रही हो तुम है? बड़े अफसोस की बात है मकबूल जी, जिंदगी के 40 साल आपके नाम कर दिए और आप आज भी मुझसे बातें छुपाते। सच सच बताएं, क्या चल रहा है मेरी नाक के नीचे? अबे क्या चल रहा है, कुछ नहीं छुपाया तुमसे। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझसे छुपा छुपा कर अपने भाई भावच पे इतनी मेहरबानियां किस सिलसिले में की जा रही है बताइए मुझे। आपसे पूछ रही हूँ। वो ये भाई बस में वो नाजिया है ना, उसकी शादी हो रही है तो उन्हें जरा जरूरत थी तो मैंने दे दिए पैसे। क्या, नाजिया की शादी हो रही है और मुझसे छुपाया? अरे छुपाया क्या है, बताएंगे तुम्हें, वो बताएंगे। आपने क्यों छुपाया, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं बताऊं। अरे वाह वाह, क्या कहने आपके, उन्होंने मना किया और आप मना हो गए। मुझे ये बताएं कि उनके इशारों पे आप क्यों चल रहे हैं, वो चला रहे हैं और आप चल रहे हैं, मुझसे सब कुछ छुपा रहे हैं क्यों? मुझे ये जानना है कि आखिर मुझसे छुपाया क्यों? अबे यार मुझे क्या पता यार, ये उनका जाती मामला है यार। जाती मामला? और इस जाती मामले की तो ऐसी की तैसी, मैं सब जानती हूँ मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है। और ये जो आपका भाई है ना, 100 कमीने मरे थे तो ये पैदा हुआ, और आपकी भावच, अरे उसकी मक्कारियां देख के तो शैतान ट्यूशन लेने आता होगा उससे। देख बेटी का मामला है, दरगुजर कर। दरगुजर? अरे दरगुजर तो ऐसा करूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी, आप देखिएगा जरा। अरे 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 अरफा, ओए अबे खाना तो दे दो यार, हद हो गई। तो वक्त हुआ, लड़े ये मरे हम। ये मिठाई नासिर ने खास आप लोगों के लिए भिजवाई है। अच्छा, माशाल्लाह। और साथ ही एक पैगाम भी भिजवाया है। क्या? वो असल में नासिर ना नाजिया से फोन पे बात करना चाह रहा था। हाँ तो जरूर करें, एक बार नहीं 100 बार करें, रोज फोन करें, क्या हर्ज है इसमें। बैठिए भाभी, मिठाई खाइए। अरे लानत भेजी तुम्हारी इस मिठाई पर, तुम पे भी। क्यों भाभी जान, आइए मेरे साथ बाहर चलिए, हम दोनों मिलके मिठाई खाएंगे। आइए आइए, किनके आइए, आइए मेरे पीछे पीछे आइए, आ जाए ना। भाभी चाहिए, बुला रहे हैं, जल्दी आइए वरना मिठाई खत्म हो जाएगी। ये कौन थी? जिठानी है मेरी, सगी नहीं है अब, ये जरा सी नफ्सियाती है, वो नाजमाबाद में अस्पताल है ना नफ्सियाती, वहाँ इनका इलाज चल रहा है। हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगता है, लगता है अब के हफ्ते का इंजेक्शन मिस हो गया, जब ही तो बलाई बलाई फिर रही थी। अल्लाह बेहतर करेगा, बस दुआ कीजिएगा। अरे भाभी बड़ा मजा आएगा, अबू दुबई की मिठाई है। भाभी मेहमानों के सामने आप क्या कर रही है, क्यों कर? मेरा बस चले ना तो तेरे मेहमानों को तुझे लाइन में खड़ा करके गोली छोड़ा दूं। अरे भाभी ऐसा हमने किया क्या है, क्यों? अरे सबके जाओ, कुर्बान जाओ इस मासूमियत पे। शुक्रिया शुक्रिया, सारी कमीनगी दिखा के पूछ रहा है भाभी हुआ क्या है। अल्लाह की कसम भाभी, हमें नहीं पता हमने क्या किया है, आप खामखा आपके मुँह से झाग निकल रहे, इतना गुस्सा आ रहा आपको। भाभी बड़ी बदतमीजी की बात है ये, सरेआम के छापा मार टीम की तरह कमरे में घुसी चली आ रही हो, कोई तमीज तरीका है कि नहीं? अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये कोई तरीका है? अरे ये कोई तरीका, तुम्हारे माँ बाप का वक्त उनसे ज्यादा बढ़ के मैंने तुम्हारा एहसास किया और बच्ची की शादी से पहले मुझसे छुपा लिया तुमने? हाँ, छुपाया, अल्हम्दुलिल्लाह छुपाया, और इसलिए छुपाया कि ये जो आपकी नजरें हैं ना, ये बड़ी गंदी हैं। आए सबके जाओ, कुर्बान जाओ तुम लोगों के, मेरे मियाँ से 5 लाख रुपए ऐंठ के अब मेरी नजरें गंदी हो गई। अरे गंदी मेरी नजरें नहीं, गंदी तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा शजरा, तुम खुद हो। ए भाभी खबरदार, खानदान तक ज्वाइन, खून की नदियां बहा दूंगी तुम्हें लटके भी। अरे चल, खून की नदियां क्या बहाएगी तू, मेरी नजर तो तू सह नहीं सकती, इससे तो तू डरती है, खून की नदियां क्या बहाएगी तू? भाभी मेहमान चले जाए तो बैठ के बात कर लेंगे। अरे चल यहाँ से, मैं मेहमानों को क्या समझती हूँ, मैं तुम्हारी बच्ची की शादी में नहीं आऊंगी, सोच लिया मैंने, बायकॉट, दफा दूर। अरे भाभी भाभी, अरे रुकिए, दफा करें, अच्छा है ना हुसा टली। अरे मैं भी तो एक्टिंग कर रहा था, मैं कौन सा रोक रहा था। अरे लफावी की प्यारी है।
ये मिठाई खा ले। वो क्या हुआ, वो चली गई? मैंने कह दिया क्या पगला गई है भाई। अबे क्या जरूरत है तमाशा करने की, मैंने कहा था ना मैं बात कर लूंगा है? लेकिन तुम्हें तो अपने कलेजे को ठंडक पहुंचानी है। अरे वो जैसे भी हैं उनकी मर्जी, हमें तो कम से कम इंसानियत दिखानी चाहिए थी ना। अब उनमें हमें क्या फर्क रह गया? नजर तो भाभी अब लगाएगी। ओए हाथ मत लगाना मुझे, वरना चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लूंगी कि लफंगा मुझे छेड़ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से नाजिया बात कर रही हूँ, आपकी अम्मी ने नंबर दिया था। जी कैसे आप? नासिर आप 2 मिनट होल्ड करेंगे? एक्चुअली मेरी खाला की कॉल आ रही है। जी हेलो, क्या मुसीबत है गुल्लू? नाजिया तुम्हारे लिए सरप्राइज है, गेस करो क्या है। गुल्लू इस वक्त बात नहीं कर सकती, मेरी खाला की कॉल आई है, पता है कहाँ से? दुबई से कॉल आई है उनकी। अब फोन मत करना मुझे। नाजिया नाजिया मैं तुम्हारे लिए वाली मेकअप किट ले आया हूँ। ओफो गुल्लू कहा ना अभी बात नहीं कर सकती। अरे मैं तो सोचा था सिर्फ बात का सुन के वो खुश हो जाएगी। अच्छा तो नाजिया की सास ने तो कुछ नहीं कहा? अरे भासा वो तो सायमा ने संभाल लिया, वरना आरफा भाभी ने तो तिया पाचा करके रख दिया था। अरे यार मैं थक गया हूँ आरफा को समझा समझा के, बात ही नहीं मानती मेरी। वो सायमा और नाजिया बहुत खफा हैं। पता क्या कह रही थी? कह रही थी अगर अपने ये हरकतें करेंगे तो गैरों से क्या सिला पाएंगे हम। सही कह सही कह, बातचीत तो जानता है यार, औरतों को समझाना किस कदर मुश्किल काम है यार। अच्छा छोड़ तू। जी मासा एक मेरा काम करेगा? हाँ मासा। यार वो गनी भाई है ना अपने, उनकी पेमेंट मेरे पास पड़ी है, वो बेचारे बीमार है आ नहीं सकते। तू जा स्कूटर पे बैठ के ना उनको ये दे आ जरा पैसे। हैं कितने भाई साहब? 55 गिल्ली। हाँ ठीक है मासा मैं अभी आया। अबे हाँ ये तो। हेलो हाँ सलीम भाई मैं बोल रहा हूँ। अबे यार ये क्या तुमने लगा के दिया है सीसीटीवी यार, 2 दिन चला उसके बाद चला ही नहीं। अबे बंदा भेजो ठीक कर, आज ही भेजो। हाँ हाँ मैं दुकान पे हूँ, बस आज ही ठीक होना चाहिए, मैं नहीं खुद। अबे हाँ भेज दो भाई, दुकान पे हूँ मैं। हाँ ठीक है आ जाइयो। हाँ ये पता नहीं कैसी मशीनें बना रहे हैं, एक तो ये हिसाब किताब ने अपनी जान ले ली है। तू क्या समझता था है? तू क्या समझता था कि तेरे घर नहीं पहुंच सकती? मैंने तुझे कहा था कि मैं मामूली औरत नहीं हूँ, जब तक खोज ना लगा लूँ चैन से नहीं बैठूंगी। देखें खाला एक्चुअली ना ये मेरा घर है और घर में अम्मी है, तो प्लीज उनके सामने ना कोई ऐसी ऐसी बात मत करिएगा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। और आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? देख बच्चे मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि तूने मुझसे झूठ बोला है, मुझे इस बात से मसला है कि तूने मुझे बेवकूफ समझा है। मैं बहुत तेज औरत हूँ। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? मैं ये चाहती हूँ कि तू आराम से कबूल कर ले कि तेरा नाजिया के साथ चक्कर चल रहा है। अरे कोई नहीं है मेरा चक्कर वक्कर उसके साथ। और अगर मैं साबित कर दूँ तो? अच्छा क्या सबूत है आपके पास? सबूत? अरे सबूत तो बहुत तगड़े है मेरे पास, रुक जा जरा, रुक जा मेरा बच्चा, ये देख ले जरा, ये देख।
ये आपके पास कैसे? इसको छोड़ तू, अगर मैं चाहती ना तो तुझे उसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर वो जलील करती कि तू याद रखता, तेरा मुंह काला करके जूतियों का हार पहना के गधे पे घुमाती खूब पूरे मोहल्ले में और तू जलील ख्वार हो जा। लेकिन मैं, अरे मैं तो अमरीका की तरह बहुत आगे की प्लानिंग करती हूँ। आज के दिन के लिए ये वीडियो संभाल के रखी थी मैंने। देखे देखे मेरी बात सुनो। एक्चुअली ना मैं नाजिया से बहुत प्यार करता हूँ, आप जिसकी चाहे कसम ले लें मुझसे। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे अपने घर की इज्जत बनाऊंगा। अरे लड़के तू तो बड़ा मासूम है, मुझे ये बता। अच्छा ये बता कि क्या नाजिया ने तुझसे खुद वादा किया शादी का? हाँ ना, ये देखे मैं उसके लिए मेकअप किट भी लेके आया हूँ। ओ अल्लाह, अरे अब तो मुझे तुझ पे तरस आने लगा है। देख बेटा उसकी शादी हो रही है, वो जा रही है दुबई, चली जाएगी जहाज पे। और सुन तू यहाँ पर ना ये मेकअप किट से मेकअप निकाल के अपने मुंह पे मेकअप कर लीजियो। ये क्या कह रही हैं आप, ऐसा मुमकिन नहीं है। अरे तेरे नाम मानने से हकीकत बदल थोड़ी जाएगी। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे कमबख्त, झूठ वो बोल रही है तेरे साथ, लड़के का नाम नासिर है, जाके पता कर, पूछ उससे, जब पता चल जाए ना तो सीधा मेरे पास आ जाइयो, फिर तुझे मैं बताऊंगी कि अब करना क्या। आई समझ? चल मौज। क्या है गुल्लू, हर दफा इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाते हो? और वो मेकअप किट कहाँ है? अब देख क्या रहे हो, मेकअप किट कहाँ है? ज्यादा देर रुक नहीं सकती मैं। हाय अल्लाह गुल्लू, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें कितना ख्याल है ना मेरा। तुम शादी कर रही हो? क्या नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच बताओ नाज़िया, मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? कुल्लू क्या हो गया तुम्हें, और अगर शादी हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शादी नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? तुमसे क्यों छुपाऊंगी, डरती हूँ क्या? अच्छा ये नासिर कौन है? हेलो गुल्लू, तुम नासिर को कैसे जानते हो? यानी कि तुम भी नासिर को जानते हो? हाँ, होने वाला शौहर है मेरा, अब खुश? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो नाजिया? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। गुल्लू तुम तो रो रहे हो। देखो भाई, रोने धोने वाले मर्द तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। ओए, हाथ मत लगाना मुझे, वरना चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लूंगी कि लफंगा मुझे छेड़ रहा था। और वैसे भी मैं अब नासिर की अमानत हूँ। तुमने तो कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर क्या है ये सब? हाँ मैं करती थी तुमसे मोहब्बत, लेकिन गुल्लू शादी के लिए ना किसी मैच्योर आदमी की जरूरत होती, और तुम तो बहुत मम्मी डैडी हो यार। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नासिया, मर जाऊंगा। अरे यार गुल्लू, ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है यार। और देखो तुम टेंशन मत लेना,
अगर तुम मर भी गए ना तो मैं हर जुमेरात तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगी नासिर के साथ। बहुत कबीली हो तुम। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, खींच के एक थप्पड़ मारूंगी। और अगर फ्रेंडशिप रखनी हो तो बता देना, वरना फेसबुक और व्हाट्सएप से भी तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। इसे कहते हैं बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपने ठीक कहा था, नाजिया ने मुझे धोखा दे दिया। अरे बड़े बूढ़े ठीक ही कहा करते हैं, तुम बच्चों को समझ नहीं आती। हमेशा कहते कि शादी करो तो लड़की की माँ को देखो, और ये लड़की की माँ मेरी देवरानी, अल्लाह माफ करे, ऐसी जहरीली औरत है कि काला नाग भी इसी से जहर लेके जाता है। आपने कहा था जब हकीकत का पता चल जाए तो मेरे पास आ जाना। बताएं क्या काम है? ये तूने बहुत अच्छा काम किया कि तू यहाँ आ गया। अब जरा मेरी बात सुन गौर से। देख मुझे ये बता के तेरा जो चक्कर था नासिया के साथ, उसमें तेरी तस्वीरें वीडियो कुछ तो होगा, उस सब की सब लाके मुझे दे दे सबूत के तौर पे। आप उन सब का क्या करेंगे? देख मेरे बच्चे गुल्लू, बात सुन। अब ये मामला अहम नहीं है कि मैं क्या करूंगी, तेरा मेरा दुश्मन एक है। अब तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि दुश्मन का सत्यानाश हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मकबूल भाई। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा है शरफ? अल्हम्दुलिल्लाह। अबे आज तो गर्मी पता पूछे। ओहो तोबा तोबा तोबा। अबे हाँ अशरफ बात सुन। जी मकबूल भाई आया। बेटे भाई वो ठीक करके गए हैं, दिखा सीसीटीवी अब कैसे देखते हैं इसमें। जी मकबूल भाई। हाँ लाओ लाओ लाओ। हाँ देखा ठीक है रे, तू जा दूध पत्ती का बोल क्या। भाई अबे जुल्फी, अबे मनहूस, नमक हराम, औस्तीन के साम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अम्मा अम्मा मेरी सास का फोन आ रहा है। कोई बात करनी होगी, और मैंने नासिर से ना गिफ्ट की फरमाइश की थी, हो सकता है इसलिए तुम फोन किया। क्या मंगवा लिया तूने ऐसा? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? मेरी छोड़ो, अपनी बेटी की फिक्र करो। क्यों क्या हुआ? इंतहाई आवारा और बदकिरदार टाइप की लड़की है तुम्हारी, जिसे तुम लोगों ने नेक परवीन बनाकर पेश किया था मेरे आगे। ये क्या क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, मेरे बेटे के नंबर पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया है, उसमें तुम्हारी बेटी की तस्वीरें और वीडियोस हैं। कौन कौन सी तस्वीरें, कैसी वीडियो? अब मैं तुम लोगों की तरह बेगैरत तो हूँ नहीं जो ये सब कुछ अपनी जबान से बयान करूँ, है ना? मुझसे मत पूछो क्या था उसमें, बस मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल की है कि मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझो। अल्लाह हाफिज। हाय क्या हुआ अम्मा? हाय अम्मा। हाय अम्मा क्या हो गया? अब दुबई वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हो गया? बहुत बुरी खबर है, वो जो हमारा प्लाट नहीं था हाईवे वाला, अरे वो लोग दो नंबर निकले, सारे पैसे लेके भाग गए। ये क्या हो रहा है? मेरे पास
और भी एक बहुत बुरी खबर है, मत पूछो। वह क्या है? क्या है? अब तो भाई वालों ने नाच किया अगर रिश्ता खत्म कर दिया। आए तुम सिखार जहरीले नाक भाई साहब। तुम सिखार क्या हुआ भाई साहब? अरे खैर क्या 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 हुआ भाई साहब? खैरियत है? शाम फरामोश मास्तीन के साथ तुझे मजबूर जान के मैंने सहारा दिया और तूने ये अंजाम किया उसका कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे बाबा साहब हुआ क्या है बताए तो सही, कैसी बातें कर रहे हैं? हुआ क्या है? तू मेरी दुकान से पैसे चोरी करता रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे हैं भाई साहब, मैं और चोरी? अच्छा, सबूत है मेरे पास। सबूत? हाँ, दिखाइए। दिखाऊं? ये देख। ये क्या? दुकान के सीसीटीवी का फुटेज, ये देख। हाँ वो तो भाई। हाँ। लेकिन उस वक्त तो कैमरा खराब था। ठीक करा लिया था मैंने। तो बताया क्यों नहीं भाई साहब? शर्मानी चाहिए तुझे। भाई साहब गलती हो गई, माफ कर दे। गलती हो गई? मैं आपका सगा भाई हूँ, आपसे माफ। कोई गलती नहीं हुई है, ये गद्दारी है, समझे? भाई साहब इसकी सजा ये है कि आप दुकान तो क्या, तू इस घर में मुझे नजर ना आए। अरे 24 घंटे में सामान बांध निकल जाए ऐसे। अरे भाई साहब हट यहाँ से। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात निकल जाना। अरे मेरी बात भाई साहब, भाई साहब मैंने कहा था ना ये भाभी की नजर हमें बर्बाद कर देगी। लो हो गए। चुप, बकवास बंद, चुप। मनुष्य तू है, नजर लग गई, नजर लग गई। तेरी बातों की वजह से सब कुछ हुआ है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सको।